हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फूड डायरीज। तो चलिए आज झटपट से देखते हैं हम क्या बनाने जा रहे हैं। ये मैंने सफ़ेद उड़द की दाल करीब 2 घंटा पहले भिगो दी थी, उसको धोकर ले लिया है। कुछ लोग इसको माँ की दाल भी बोलते हैं, तो ये बहुत अच्छी लगती है खाने में। इसको हम ड्राई बनाएंगे। तो चलिए इसके लिए क्या क्या लिया है मैं आपको दिखाती हूँ। इसके लिए मैंने ये आनियन चॉप्ड करके ले लिए हैं और एक बड़े टमाटर को मैंने ग्राइंड करके ले लिया है, चॉप्ड ग्रीन चिली और ग्रीन कोरिएंडर, और ये ग्रेट करके जिंजर ले लिया है, ये नींबू का रस और ये गार्लिक पेस्ट, कसूरी मेथी, और ये इसमें मैंने हींग, जीरा, काली मिर्च और ये रेगुलर सॉल्ट, किचन किंग मसाला, गरम मसाला, लाल मिर्च, हल्दी, ये सब लिया है इसके लिए मैंने। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप हम देखते हैं इसको कैसे बनाना है। ये हमने एक कढ़ाई गैस पे रख दी है और गैस ऑन कर दी है। इसमें हम थोड़ा ऑयल डाल रहे हैं, इसमें सबसे पहले मैं हींग डाल रही हूँ, उसके बाद ये जीरा ऐड कर रही हूँ, जीरा क्रम्बल हो गया है तो हम ये चॉप्ड ऑनियन इसमें डाल देंगे। और अनियन के साथ ही मैं ये सॉल्ट डाल दूँ। इसको हम गोल्डन ब्राउन होने तक सौते करेंगे। इसके साथ ही मैं ये गार्लिक पेस्ट, करीब इतना सा गार्लिक पेस्ट ऐड कर रही हूँ। अब इसमें हम ये ग्रेटेड जिंजर लिया था वो भी ऐड कर रहे हैं। इसको अच्छे से भूनने देना है। देखिए आनियन ये गोल्डन होने आए हैं, तो हमने ये जो टोमेटो ग्राइंड किए थे अब इसको भी हम ऐड कर देंगे। ये टमाटर भी भुनने आए हैं, तो अब हम इसके साथ ये हल्दी ऐड कर देंगे। अब इस वक्त पर हम ये दाल अपनी ऐड कर देंगे। दाल को भी हमने थोड़ी देर मसाले के साथ भून लिया है, तो अब हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे। हमने करीब 1/2 गिलास पानी इसमें ऐड किया है। अब हम इसको थोड़ी देर ढक देंगे, 10 मिनट बाद हम फिर देखेंगे। दाल पकने के लिए तो हमें पानी ऐड करना ही था, ये सब पानी दाल सोख लेगी।
चलिए 10 मिनट हो गए हैं, अब हम इसको खोल के देख लेते हैं। देखिए दाल में अभी तो मैंने मिर्च डाली ही नहीं, तब भी इतना अच्छा कलर आ रहा है। अभी दाल में थोड़ी सी कसर है, इस पॉइंट पे हम इसमें बाकी मसाले भी ऐड कर देंगे। ये मैं काली मिर्च ऐड कर रही हूँ, इसका बहुत अच्छा फ्लेवर आता है इस दाल में। और ये लाल मिर्च, गरम मसाला, ये कसूरी मेथी भी ऐड कर रही हूँ मैं। इसको 5 मिनट तक हम ढककर थोड़ी देर और पकाएंगे ताकि सारे मसालों का टेस्ट इसमें आ जाए। चलिए 5 मिनट हो गए हैं, अब हम इसको खोल के देख लेते हैं। ये दाल अब होने आई है, ये ऑयल सेपरेट हो गया है देखो बिल्कुल। और मसालों की भुनाई अगर आप अच्छे से करेंगे तो ऑयल एकदम सेपरेट हो जाएगा इस तरीके से। अब हम इस वक्त पर इसमें नींबू का रस ऐड करेंगे। नींबू का रस पहले ऐड नहीं करना है हमें, क्योंकि खट्टाई ऐड करने से दाल पकती नहीं है, जल्दी नहीं पकेगी आपकी दाल। चलिए अब ये ग्रीन चिली भी ऐड कर देंगे, इसका भी बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। अब इसे हम डिश आउट करेंगे। ये हमारी दाल रेडी हो गई है। इसको इसी तरह खुला कढ़ाई में पकाने पे हमें करीब आधा घंटा लगा, आधा घंटे का समय लिया। कुकर में बनाने से बिल्कुल घुल जाएगी दाल, हमें इस तरीके से इसको खड़ी खड़ी ही रखना था, तो हमने इसको कढ़ाई में बनाई। और अब इससे इसे हम धनिया से गार्निश कर देंगे और ऊपर से थोड़ा सा घी डाल दें। लीजिए हमारी ये उड़द की दाल रेडी है। हमें इसकी इस तरीके से कंसिस्टेंसी रखनी है। आप किसी के साथ भी खाएं, चपाती साथ खाएं, परांठे साथ खाएं, ये टोटली आप पे डिपेंड है। ये दाल बहुत अच्छी लगती है, आप एक बार इसको इस तरीके से ट्राई करें, पसंद आए तो लाइक करें।